रोल ठीक है ठीक है या जी क्या कहना चाहेंगे आज इतने बड़े यादव समाज यहाँ पे इकट्ठा हुआ क्या कहना चाहेंगे वहाँ पे आपका सम्मान भी हुआ? देखिए बहुत बड़ी उपस्थिति है और हम समझते हैं कि प्रतिभाओं का सम्मान हुआ है। दूर दूर से लोग आए हैं, मुंबई के बाहर से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, यूपी से आए हैं, तमिलनाडु से आए हैं, आंध्रा से आए हैं। इकट्ठा होना भी बड़ी बात है, इकट्ठा होंगे मंथन करेंगे तो कोई बड़ा काम हो सकता है। तो क्योंकि हमारे इस जम्मू से कन्याकुमारी की जो संवेदना जागृति अभियान है इस पड़ाव में आधे से ज़्यादा दूरी हमारी तय हो गई है। 5 फरवरी को निकले हैं जम्मू विश्वविद्यालय से और ये हमारी साइकिल यात्राओं की कड़ी में देश विदेश में ये हमारी 15वीं यात्रा है। मैं 1997 से आज़ादी के स्वर्ण जयंती वर्ष से मैंने यात्रा शुरू किया, देश के बाहर भी थाईलैंड, लाहौल, वियतनाम, कंबोडिया, इन देशों की यात्रा किया, कारगिल वगैरह। जैसे जैसे करता गया वैसे मंथन करता गया, कविताएँ पैदा हुई और समाज में जो कृतियाँ हैं, जैसे ऊपर सबसे ऊपर जो है सेव एजुकेट प्रोटेक्ट एंड रिस्पेक्ट कर, जो बच्चियों के साथ 3 साल की बच्चियों के साथ रेप होता है तो आत्मा रोती है, घर में पूछने से अच्छा है कि लोगों को जागृत करें कि संवेदना का मतलब ही हो गया कि आपकी वेदना हमारी वेदना बराबर की है। अगर समाज जागृत रहेगा तो कुरूतियाँ कम होगी और जागृत होना पड़ेगा व्यक्तिगत सुख में और व्यक्तिगत सुरक्षा में रहेंगे कि हमारा बच्चा हमारी बच्ची सुरक्षित है, ये भाव ठीक नहीं है। देश के तमाम विश्वविद्यालयों में देश और विदेश में करीब 750 के ऊपर हमारे जो व्याख्यान हुए हैं। मैंने कल भी साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी में हमारा लेक्चर रखा गया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है ये कि एडवांस कॉलेजेज हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें हम अपनी बात रख पाते हैं। हमें 2-2, 3-3 घंटे बच्चे सुनते हैं, स्टूडेंट सुनते हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन के हैं, चाहे वो जिले में हैं या वो मेडिकल में है या सैनिक छावनी में है या सैनिक स्कूल में है। मैं निरंतर चल रहा हूँ, मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि हमारी उम्र अफान हो गई है और हमारे पैर में तकलीफ है, क्योंकि मैं इसको एंजॉय करता हूँ। मैं चलता हूँ तो मैं बच्चों को याद करता हूँ जो अकेले बच्चे थे अपने माता पिता के, उन्होंने सारी ऐशो आराम की नौकरी छोड़ करके सेना को ज्वाइन किया, शहीद हो गए। तमाम परिवारों को मैं मिलता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बताने जा रहा हूँ कि मैं शहीद मेजर संदीप अनिल कृष्णन, जो माता पिता के इकलौते लड़के थे, आपने चैनल में देखा होगा मुख्यमंत्री केरला अच्युतानंदन को घर से भगा दिए थे, वही पिता हमारे सामने साइकिलिंग करने का प्रस्ताव रखे कि मैं आपके साथ लंबी यात्रा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे परिवारों में सांत्वना दे दूर दूर तक पहुँचता हूँ और मुझे सौभाग्य दिए वो 32 दिन वो हमारे साथ साइकिल चलाए और 62 बरस की उम्र में वो हर दिन हमसे बहुत आगे रहते थे। उनकी माँ 60 बरस की उम्र में साइकिलिंग की हमारे साथ, बिजनौर में 2013 में आती थी साइकिलिंग की। 16 और 17 को माता पिता फिर आ रहे हैं, 67 साल की उम्र के पिता की फिर वो पूना से और रालेगंज से निकल 2 दिन हमारा साथ देंगे। निश्चित रूप से इस मामले में भाग्यशाली होकर ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ साइकिल चलाते हैं। इस कार्यक्रम में एक रोशनी दिखी है कि आगे अच्छे काम हो सकते हैं। बात करें हीरालाल जी, जैसे कि आज के कार्यक्रम आज सत्कार मूर्ति थे, इसके पहले अखिलेश यादव जी खुद आपको जो है सम्मानित कर चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम देखिए, मैं तो अखिलेश यादव जी को एक पौधा भेंट करने गया था, जब मैं वहाँ के मेयर लखनऊ के उपाध्यक्ष जो हैं बीजेपी के, उनके साथ उनको पौधा भेंट किया, वो हमको पौधा भेंट किया, हम गवर्नर साहब को भेंट किए राजभवन में, और जो राजभवन में हमें गवर्नर साहब भेंट किए, मुख्यमंत्री को भेंट किया और मुख्यमंत्री साहब पौधा भेंट तो लिए ही, लेकिन वो 5 मिनट के अंदर उन्होंने घोषणा किया कि इनको 5 लाख का सम्मान राशि भेंट किया और 24 को हमारी मुलाकात हुई, 28 उन्होंने भेंट किया। लेकिन उसके पहले अब्दुल कलाम जी के हाथों महामहिम रहे और इस राष्ट्र के एक बड़े नेक इंसान के रूप में याद किए जाएंगे, उनके हाथों हमने सम्मान दिया। साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी, तमिलनाडु की संस्था जो अखबार में पड़ी, हम अरुणाचल से अमृतसर मुंबई की यात्रा करके आए थे, हमारे हमें ढूंढा गया और बनारस से नंबर कहीं मिला हमारे एक विशेष अधिकारी, ये सब सम्मान
मुझे बड़ी ताकत दी है, लेकिन मुझे नहीं मालूम है मुझे क्या मिलेगा, मुझे अपना काम करना है। मुझे लोगों का बहुत प्यार मिलता है, पैसा किसे काटता है, हमें भी पैसा मिला, बच्चों को दिए, हमारे बच्चे कभी पैसा मांगते ही नहीं है कि पापा हमको कुछ दे दो। इस मामले में भाग्यशाली अगर बात करें, बेटी बचाओ जो यहाँ पे है और भारत सरकार का ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके कोई अपने समाज को संदेश देखिए, हम तो हमारी सामने आए, हम तो देश भर की यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स में जाकर के कविता पाठ करते हैं, उस पर पोस्टर बनवा के 250 करीब प्रदर्शनी लगा चुके हैं, फिर हम जा रहे हैं उस क्रम में, फिर हम पीड़ा को फाइन आर्ट में घुस करके अब काम करेंगे जागृति। और बेटियों को बेटों से कम कभी आंका न जाए, आज बेटियाँ हर क्षेत्र में बेटों से आगे बढ़ जा रही है, रिजल्ट आप देखते हैं, हमेशा बेटियाँ आगे जा रही हैं। मैं हमारे साथ कल्पना चावला की पिता 2008 से हमारे प्रोग्राम में रहते हैं फोन पर, और वो पाकिस्तान से आए हुए हैं, 14 साल का एक नाबालिग बच्चा बंटवारे के समय पाकिस्तान से आता है, उनकी बेटी है कल्पना चावला, और अपने बहनों की श्रृंखला में सबसे छोटी और तीसरी बेटी है, और उनको पिता को लगता कि हमारे पास दो बेटियां और बेटा हो गई है, मैं तीसरी बेटी क्यों लाऊं, और कल्पना को मार दिए होंगे इस भारत को ही नहीं, इस पूरी दुनिया को इतना बड़ा सितारा कहां से। बाकी यादव समाज की सर, यादव समाज ट्रस्ट के जो राजेंद्र यादव जी हैं आज प्रोग्राम, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, बहुत सरल स्वभाव के लोग हैं, बहुत हमको प्यार करते हैं लोग। मैं समझता हूँ मैं किसी संगठन का विरोध नहीं करूँगा, आलोचना नहीं करूँगा, लेकिन पहली बार कोई संगठन है जो हीरालाल यादव को इतने बड़े पैमाने पर सम्मान के लिए हमारे रोज के दुख तकलीफ को पूछते हैं कि आज आप कहाँ हैं, आज आपको कभी कोई ज़रूरत है, पहुँच जाते हैं लोग, लखनऊ भेंट किए, यहाँ भेंट किए, तो मैं तो एकदम पारिवारिक संबंध में इस संगठन से जुड़ा हूँ, बहुत स्नेह करता हूँ राजेंद्र जी को और SP जी को या पूरे संगठन को, और कोई नज़र बुरी नज़र न लगे मैं यही कहूँगा। थैंक यू।